नमस्कार, मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल बायोलॉजी बाय अभय कुमार सर और जो फेसबुक पेज है उसमें बायोलॉजी बाय अभय कुमार सर। आज का जो टॉपिक है वो है बेटा मैं लेकोफिली, या हम बोल सकते हैं घोंगा परागण। ठीक है, घोंगा परागण। जितने भी आज इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, सूरज कुल के पौधे, ठीक है, घोंगा परागण, ध्यान देता हूँ, घोंगा परागण। ठीक है, इसमें जितने भी पौधे सूरन कुल के आते हैं, किसके, सूरन कुल के, सूरन कुल के पौधे, पौधों जैसे बेटा जिमीकंद है, क्राइसैंथेमम है, गुलदाउदी या सर्प पादप है। ठीक है, में कीटों के अतिरिक्त घोंगों द्वारा भी परागण होता है, जैसे कीटों का भी होता है और घोंगों द्वारा। कौन कौन सी बेटा, हम बात कर रहे हैं जिमीकंद की, जिमीकंद और बेटा गुलदाउदी की, गुलदाउदी, सर्प पादप, सर्प पादप। इनमें जो क्या बेटा परागण होता है वो कीटों के अलावा, कीटों के अलावा परागण किससे होता है, घोंगा से होता है, किससे, घोंगा, घोंगों द्वारा भी परागण होता है। इनमें इनमें ठीक है, घोंगा द्वारा भी परागण होता होता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, इन पौधों के जो पुष्पक्रम होते हैं, क्या बेटा, इन पौधों के, पौधों के पुष्पक्रम होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, वो हम बोल सकते हैं स्थूल मंजरी। कैसे बेटा, स्थूल मंजरी, स्थूल मंजरी। पौधों के पुष्पक्रम कैसे होते हैं, स्थूल मंजरी होता है। ठीक है, मादा पुष्प इसके आधार पर तथा नर पुष्प की ओर लगे होते हैं। मादा पुष्प क्या है, मादा पुष्प इसके आधार पर तथा नर पुष्प ऊपर की ओर लगे होते हैं। नर पुष्प कहां पर लगे होते हैं, नर पुष्प ऊपर की ओर लगे होते हैं। नर पुष्प कहां लगे होते हैं, ऊपर की ओर लगे होते हैं, लगे रहते हैं। इन पुष्पों में मादा पहले पकते हैं, क्या बेटा, इन पुष्पों में मादा पुष्प पहले पकते हैं, मादा पुष्प पहले पकते हैं, आशा कर रहा हूं। और नर पुष्प जिसमें पराग पहले पकते हैं, जिसमें परागकणों को दूसरी स्थूल मंजरियों, जिसमें जिसमें पराग कणों, पराग कणों को दूसरी स्थूल मंजरी, मंजरियों से, जिनसे नर पुष्प भी पक चुके होते हैं, जिनसे क्या होते हैं, नर पुष्प भी क्या हो सकते हैं, स्थूल मंजरियों से नर पुष्प भी क्या हो सकते हैं, पक चुके होते हैं, होते पक्ष के होते हैं और पक्ष के होते हैं और घोंगों द्वारा क्या होता है, परागण हो जाता है। किसके द्वारा, घोंगों द्वारा क्या हो जाता है, परागण हो जाता है, द्वारा परागण होता है, द्वारा परागण होता, परागण होता है। तो यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा, घोंगा परागण। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा चींटी परागण। हाँ, तो आपको यह टॉपिक कैसा लगा जरूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।